भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय जय बाबा बर्फानी, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। तो गाइस अमरनाथ यात्रा 2024 की सभी भक्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि आप सभी को पता है भाई, दिन करीब करीब आते जा रहे हैं और फाइनली मई का महीना भी समझ लो आधा बीत चुका है और आज 13 तारीख हो गई है। इस महीने में लगभग 17-18 दिन रह गए हैं और भाई 30 जून से फाइनली सभी की यात्रा चालू है। तो गाइस आज की वीडियो में मैं एक और लेटेस्ट अपडेट लेके आ चुका हूँ जो कि आपकी यात्रा का बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है जो जो भक्त अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं और खासकर वो भक्त जो पहली बार यात्रा जा रहे हैं उनके लिए अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि भाई अमरनाथ यात्रा में आप कितने दिन के अपने ऑफिस से छुट्टी लें, अगर आपका सेल्फ का काम है तो भाई कितने दिन आपको लग जाएंगे, साथ में आपकी यात्रा में कितना खर्चा जाएगा। मैंने पहले वीडियो डाल रखी है, बहुत से भक्तों को पता होगा जो भाई पहली बार आए हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो कितना खर्चा आएगा। और साथ में एक अपडेट और कि भाई अपने अकाउंट में तो हर कोई पैसा रखता है, तो भाई क्या ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगी या फिर कैसी कैरी करके चलना पड़ेगा। तो गाइज वो तीनों अपडेट मैं आपको बताने वाला हूँ और ये तीनों अपडेट आपकी यात्रा से बहुत रिलेटिव है, तो भाई इन्हें खास कर ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने एक भी मिस करा तो भाई आपकी यात्रा में गड़बड़ हो सकता है। तो गाइज इन तीनों अपडेट पर आज हम बात करने वाले हैं। उससे पहले गाइज मैं आप सभी को बता दूं कि इस बार आपका भाई श्री केदारनाथ महादेव के दर्शन करने जा रहे हैं, जिन्हें भाई केदारेश्वर महादेव के नाम से भी जानते हैं और कहते हैं कि भगवान केदारनाथ के दर्शन करने से इंसान को मोक्ष प्राप्त होता है। तो गाइज इस बार हमारी केदारनाथ यात्रा है जो कि 25 मई से 31 मई के बीच होने वाली है। इसमें हम केदारनाथ, चंद्रशिला, तुंगनाथ और साथ में हम बद्रीनाथ धाम के भी दर्शन करने वाले हैं। तो ये 6 दिन की 7 दिन की हमारी यात्रा होने वाली है। इस यात्रा में अपने साथ दें, सहयोग दें, कोई भी आपकी अर्जी है, कोई भी आपकी मनोकामना है तो भाई कमेंट करें, उसको मैं बाबा तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो गाइज उन वीडियो में आप हमारा साथ दीजिएगा और पूरी अमरनाथ यात्रा में आप हमारे साथ रहिएगा और अपना प्यार दीजिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज हम बात करने वाले हैं भाई ऑनलाइन कैश के बारे में और आपको कितना समय लगेगा, और साथ में जो एक अपडेट और था वो था भाई कितना खर्चा आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो गाइज अमरनाथ यात्रा के लिए देखिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि अमरनाथ यात्रा कितने दिन की छुट्टी लें। देखिए अमरनाथ यात्रा कोई ऐसी वैसी यात्रा नहीं है, इसके लिए आपने फाइनली रजिस्ट्रेशन कराया होगा, मेडिकल कराया होगा और आपको जम्मू कश्मीर के बालटाल या पहलगांव पहुँचना होगा जहाँ से ही आपकी यात्रा चालू होगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसमें आप मिनिमम 1 हफ्ते का टाइम लेके चलिएगा। क्यों 1 हफ्ता बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए सपोज करिए मैं दिल्ली रहता हूँ, मैं दिल्ली से पहले दिन पहुँचूंगा जम्मू, शाम तक मैं जम्मू पहुँचूँ, वहाँ से भगवती नगर से टिकट लूँगा अगले दिन की कहाँ की, पहलगाँव या बालटाल की, तो भाई एक फिर अगला दिन लगेगा मुझे पूरा पहलगाँव पहुँचने में और इस प्रकार से तीसरे दिन मेरी यात्रा चालू होगी। ठीक है, तो अगर हम पहलगाँव से यात्रा करेंगे तो भाई इसमें हमारे को लगेगा तीसरे दिन बाबा के दर्शन होकर हम नीचे जाएंगे, और यही अगर हम बालटाल से यात्रा करेंगे तो हमें इसमें क्या करेंगे, हम बालटाल से चढ़ के और पहलगाँव से नीचे उतरेंगे, तो 3 दिन आपके वो लगने वाले हैं यात्रा में और 3 दिनों में आप पहुंचेंगे पहलगाम में अपने बालटाल तक। तो 3 दिन ये हो गए, 3 दिन की यात्रा हो गई, 6 दिन आपके सीधे सीधे ये हो गए, और उसके साथ में जो 7वां दिन होगा वो आप जम्मू आएंगे, 8वें दिन आप अपने घर तक पहुंचेंगे। ये मैं आपको दिल्ली से बता रहा हूँ, बाकी भाई अगर दिल्ली से दूर से है तो अपने और 2-3 दिन ऐड करके चल लीजिए, कोई महाराष्ट्र कन्याकुमारी से कोई बंगाल से आ रहा हो तो अपना ट्रेन का टाइम देखिएगा। तो दिल्ली से अगर आप जा रहे हो तो भाई 8 दिन आपको ये लगने वाले हैं यात्रा में। तो गाइज ये तो है आपकी यात्रा की बात, तो कम से कम 8 दिन की छुट्टी लेकर चलिएगा। और अगर आप अमरनाथ यात्रा से वापसी अपने घर आएंगे तो भाई 1-2 दिन रेस्ट भी करेंगे, तो 10 दिन की छुट्टी लेके चलिएगा भाई, 10 दिन की छुट्टी आप अमरनाथ यात्रा पर रख के चलनी पड़ेगी आपको। सेकंड गाइज अब एक और आगे खर्चा कितना आने वाला है, तो गाइज देखिए मैंने आपको पहले भी बता रखा था भाई अमरनाथ यात्रा में 6,000 तक का बजट लेके चलिएगा आप, वो आपको चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप दिल्ली से आपको बता दूं, दिल्ली से मैं गया जम्मू 400 रुपये का हुआ मेरा रिजर्वेशन, और फिर जम्मू से गया मैं कहाँ तक अपना गया बालटाल या पहलगाँव तक, तो 600 रुपये की मिनिमम बस की टिकट हुआ, तो 1,000 रुपये वन साइड ये लगने वाला है और 1,000 रुपये आप वापस आएंगे, तो 2,000 आपका ये खर्चा है। साथ में मान लीजिएगा आपको होटल का खर्चा मान लीजिएगा कुछ, और कुछ अपना प्रसाद का खर्चा मान लीजिएगा, तो भाई 3,000 ये आपके खर्चे हो गए। उसके बाद आप क्या करिएगा, मान लीजिए देखिए चढ़ाई बहुत खतरनाक है, चढ़ाई खतरनाक है तो गाइस क्या है, हो सकता है कहीं आपको घोड़ा करना पड़ जाए। और उसके बाद देखिए जैसे अगर आप पहलगाँव से चढ़ाई करते हैं तो वहाँ पे आपको शेषनाग, पंचसरणी दो जगह वहाँ भी रुकना पड़ता है, तो भाई अगर 1,000 रुपये का आपने एक जगह घोड़ा भी कर लिया और 1,000 रुपये 500 रुपये आपके वहाँ शेषनाग में और आपके ख़त्म होने वाले पंचसरणी में, तो दो जगह आपके 1,000 रुपये ख़त्म हो गए। ठीक है, तो 5,000 रुपये तो सीधा सीधा आपका बजट हो गया और भाई 1,000 रुपये अपना एक्स्ट्रा कैरी करके चलना पड़ेगा। तो इस हिसाब से कम 6,000 रुपये आपको कैरी करके चलने पड़ेंगे, क्योंकि अमरनाथ यात्रा के अंदर
खाने से रिलेटिव आपको कोई खर्चा होने नहीं वाला है, सारा फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, तो उसकी आपको टेंशन होने नहीं वाली है, ठीक है। 6000 का भाई आपका ये बजट हो गया। आपका तीसरा पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कि कैश और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से रिलेटिव है। देखिए गाइस, क्या होता है कि आप जब अमरनाथ यात्रा पर गए, ठीक है, तो वहाँ पर सबसे इशू रहता है नेटवर्क का, तो आपको एक पोस्टपेड सिम लेनी पड़ेगी या फिर आपको जम्मू कश्मीर का प्रीपेड नंबर लेना पड़ेगा। दो ऑप्शन ये है, नंबर कोशिश करिएगा उसी कंपनियों के लीजिएगा, चाहे BSNL के लिए, जियो के लिए, किसी के भी लें, ठीक है। हमें तो फिलहाल जियो का ले गया था, नेटवर्क वहाँ उसके भी अच्छे नहीं थे, तो भाई आप वहाँ पहले जाइएगा और पूछिएगा कि सबसे अच्छा नेटवर्क किसके हैं, तो उन्हीं कंपनी के आपको क्या लेना है, सिम लेनी है, प्रीपेड ले लीजिएगा जाके। अगर दिल्ली से जा रहे हैं फाइनली और यहीं से लेके जाना है, तो पोस्टपेड सिम भी ले सकते हैं। तो भाई प्रीपेड या पोस्टपेड एक सिम जरूर आपको कैरी करना पड़ेगा। साथ में मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपने पहलगाम से यात्रा चालू की या बालटाल से यात्रा की, वहाँ पे आपको टेंट वाले को पैसे देने हैं, तो देखिए कोई भी वहाँ पे आपका फोन पे UPI एक्सेप्ट नहीं करेगा, होटल वाले भी बहुत कम एक्सेप्ट करते हैं वहाँ पे जो होते हैं, तो भाई आपको अपना कैश कैरी करके चलना पड़ेगा, जितना भी आप कैश रख के चलेंगे, क्योंकि देखिए आपका सिर्फ कैश वही काम आएगा जो कि आपने अपने जैसे ट्रेन का रिजर्वेशन कराया है, ठीक है, सिर्फ वही काम आएगा। उसके बाद आप ना बस में पेमेंट कर सकते हैं, बस की आप टिकट ले सकते हैं ऑनलाइन, और ना आप वहाँ पे होटल वालों के बहुत कम चांस है, ना टेंट का आप कर सकते हैं, तो आपको अपना मोस्टली कैश रख के चलना ही चलना। तो कोशिश करिएगा पूरा कैश रख के चलिएगा, 5-6000 रुपये तो कम से कम 6000 रुपये तो कैश रख के चलिएगा, उसके बाद जो आपका ऊपरी खर्चा है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो भाई कैश पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो गाइज यही तीनों अपडेट थे जो कि भाई कमेंट में भी आ रहे थे मेरे पास कि सर कैश कितना रख के चले वहाँ पे, ऑनलाइन प्रीपेड ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगी, सिम का वहाँ जाके ले लें अपने कोई वहाँ पे पोस्टपेड सिम करा लें। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि भाई जो भी आपको तैयारी करनी सब यहाँ से करके चलना, वहाँ के भरोसे कुछ भी मत रहना, ठीक है। तो बस यही एक मोटिव था आज की वीडियो का, ताकि आपको भाई एक सही जानकारी मिले, और जो आपके सवाल थे उन सवालों के भी आई होप आपको जवाब मिल गए होंगे। तो गाइज कैसी लगी आपको वीडियो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। भाई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलता हूँ आपसे नए अपडेट में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।